मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, जब भारत के लोगों ने जैसे चैन की सांस ली हो। हालांकि उस समय सिर्फ आजादी ही नहीं, जीवन में और भी बहुत सी सीख मिली थी, लेकिन खुद को विश्व में साबित करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। वहीं आजादी के ठीक 2 साल 3 महीने और 12 दिन बाद, यानी 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसने हमें अनुशासन में रहना सिखाया। लेकिन इसके साथ ही अपने देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं ना, जिसके लिए 26 साल बाद यानी साल 1976 में कुछ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। वो कर्तव्य क्या थे और उनका हमें कैसे पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में हमारे आज के मेहमान से। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बहुत सी विस्तार जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको लॉ के क्षेत्र में करीब 35 साल का तजुर्बा है, जो अपने जीवन में कई पद पर कार्यरत भी रह चुके हैं, जैसे कि HOD, प्रोवोस्ट, डीन डायरेक्टर, प्रो वाइस चांसलर, चेयरमैन और चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ स्टूडेंट यूनियन भी, जिनकी करीब 3 बुक भी पब्लिश हो चुकी हैं और इसके अलावा कई सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल पब्लिकेशन और रिसर्च पेपर भी उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के प्रोफेसर डॉक्टर जहीरुद्दीन जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जहीरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार, मैं आज आपको पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, यानी कि उसको इंट्रोडक्शन दूंगा। डेफिनेटली जहीर सर, वैसे तो आम जन संविधान में मौजूद बहुत से मौलिक अधिकारों के बारे में जानना समझना चाहता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने डॉक्टर ममता और डॉक्टर संतोष से भी साक्षात्कार किया था। साथ ही फंडामेंटल राइट्स यानी अपने मौलिक अधिकारों से तो बहुत से लोग वाकिफ भी हैं। जहाँ तक बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और इन दोनों में क्या फर्क है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, जब हमारा भारत आजाद हुआ, जैसे याशा जी ने बताया, बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन कुछ मुश्किलें भी हमें आजादी के साथ साथ मिली। तो पहला तो इसमें ये था कि अंग्रेजों का दौर हम उस वक्त तक भुगत रहे थे, तो पहले भी भुगत चुके थे। उससे पहले हमने मुगलों का दौर देखा जी, जहाँ सिर्फ ड्यूटीज की बात होती थी, राइट तो कोई था ही नहीं। डेफिनेटली उसके बाद उन ड्यूटीज से इतने ज्यादा परेशान हमारे सिटीजन हुए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके अंदर ड्यूटीज के बारे में लोग बोलना ही भूल गए जी, सिर्फ राइट की बात हो रही थी, क्योंकि राइट तो हमारे छीन लिए गए थे सर। तो सबसे पहले उसमें आया कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होने चाहिए जी। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट पे बहस शुरू की और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट रख दिए गए, जिसमें जो इम्पोर्टेंट राइट है वो आर्टिकल 19 है, 21 है, 14 है, जो कि हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। फंडामेंटल राइट जो है ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट दिए गए हैं। ओके, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दाखिल कर सकते हैं हमारे अगर राइट का वायलेशन हो। ओके, अब मैं आता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल वर्ड जो है दोनों में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये है कि इनकी इम्पोर्टेंस भी फंडामेंटल है। लेकिन क्योंकि हम आदि हो चुके थे ड्यूटी के, गुलामी करते करते, मैं तो यही कहूंगा, तो हमें इतनी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन अब 1976 के बाद हमें ड्यूटीज प्रोवाइड की गई। इससे पहले मैं ये बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पर पनिशमेंट का, एनफोर्समेंट का कानून बना सकती है किसी भी ड्यूटी पे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डेफिनेटली सर, मैं आपसे जानना ही चाहूंगी कि हमारे संविधान में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य दी गई हैं। देखिए, मौलिक और फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी गई है, इनका रिलेशन हमारे मुल्क की, हमारे देश की तरक्की से है,
हमारे मॉरल से है। जैसे पहली ड्यूटी यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उनका भी पालन करें और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का पूरी तरीके से इज्जत करें और पालन करें। क्योंकि उस वक्त नेशनल फ्लैग को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, नई नई आजादी मिली थी, कहीं सड़क पे पड़ा, सड़क पे पड़ा, सुबह को मालूम हुआ कि सुई पर आया तो कूड़े में जा रहा। इन सब चीजों को एक ड्यूटी में शामिल किया गया कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके रेस्पेक्ट करें। दूसरी ड्यूटी जो है वो ये है कि वो आइडियल्स जो हमें देश की आजादी दिलाने वालों नेताओं से मिले उनकी हम रेस्पेक्ट करें और उनको याद करें। किस तरह के आइडल्स है? जैसे उन्होंने हिंसा का विरोध किया, अहिंसा को कहा इसे आप अपनाइए। जैसे उन्होंने कहा टॉलरेंस रखिए, हर धर्म की रेस्पेक्ट कीजिए, हर सेक्टर की रेस्पेक्ट कीजिए। तीसरी ड्यूटी जो है वो अपनी कंट्री की सॉवरेंटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। किस तरह से? इस तरह से अगर कोई शख्स, कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर हमारी इंटीग्रिटी को, हमारी यूनिटी को, हमारी सॉवरेंटी को खत्म करने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसके लिए हमें भले ही कोर्ट जाना पड़े, गवर्नमेंट के पास जाना पड़े या अपने साथियों के पास जाना पड़े, इस तरीके से हम अपने कंट्री की सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथी ड्यूटी दी, अगर कंट्री के लिए कोई आवाज उठती है कि हमें अपनी सर्विस देनी है तो हमें उससे पहले हाजिर होना चाहिए नेशनल सर्विस के लिए। नेक्स्ट ड्यूटी है हमारा कल्चर कंपोजिट है जो हमें ये हेरिटेज में मिला है, इसको हमें सिक्योर करना है, इसको हमें प्रिजर्व करना है कल्चर को। फॉर एग्जाम्पल अब कोई बहुत पुराना मंदिर है और कोई एलिमेंट अगर ऐसा आता है कि उसका कुछ पार्ट तोड़ना चाहता है या उसे हटाना चाहता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, एक्सवाइजेड मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर वही काम गवर्नमेंट करने जा रही हो, लाइक कोई हाईवे बनना हो और वो उसको तोड़ना चाहे तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? वो आ जाता है पब्लिक नेसेसिटी में। अगर हाईवे बनना तो पब्लिक नेसेसिटी है, पब्लिक की जरूरत है, उसके लिए उसे तोड़ा नहीं जाता, उस जगह से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता। तो शिफ्टिंग तो हो सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो। दूसरा है सबसे ज्यादा जरूरी इस बात हमारे लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, भले वो फॉरेस्ट हो, वो रिवर हो, वो कोई लेक हो, वो कोई छोटी नदी हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, उसे प्रोटेक्ट करना है जिसका रिजल्ट डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी करते तो कभी भी हम पहाड़ों पर इस तरीके से अपने हाउसेस ना बनाते, 5-star होटल ना बनाते। आज हुआ क्या, पहाड़ पर वजन बढ़ गया, उसके अंदर दरारें पैदा हो गई, उसके अंदर पानी भरा और लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। बिल्कुल सर। और उसको हम ही भुगत रहे हैं, कोई और नहीं है, हमारे नुकसान हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी फैमिली लोग मर रहे हैं, हमारी तीर्थ यात्राएं रोक दी जा रही हैं क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। दूसरा है हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट करना चाहिए, हमारा टेम्परामेंट साइंटिफिक हो, भले ही वो हमारा बिजनेस हो, टीचिंग हो, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन कंट्रोल वे में, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी लेबनान में हुआ, पेजर में धमाके हो रहे हैं, रेडियो में धमाके हो रहे हैं, मैं तो अपने मोबाइल से डर रहा हूँ बहुत कि कहीं किसी ने इसमें धमाका ना हो जाए। Exactly, sir. तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, डेवलपमेंट हो लेकिन कंट्रोल डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर हमारा होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के साथ सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी भी हो। दूसरा है जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी हम जानते हैं जो जनता के लिए होती है, उसको सिक्योर करना। जैसे बिहार में हमने सुना कि पुल गिर रहे हैं, पुल गिरने की कहानी क्या है, पुल के जो पिलर हैं या तो उसका बालू हटा दिया जाता है इंटेंशनली, या कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि वहाँ गड्ढा कर देते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो जो पिलर कमजोर हो जाता है पुल गिर जाता है, ताकि वो वीक हो जाए, वो गिर जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हो रही है, या अभी रेलवे ट्रैक के एक्सीडेंट हमारे सामने आए, इन चीजों पर पब्लिक को अवेयर होना और पब्लिक को भी ध्यान रखना, क्योंकि गवर्नमेंट हर काम नहीं देख सकती, नहीं कर सकती। दूसरा है हमको अपना आप को एक्सीलेंस की तरफ बढ़ाना है। अब वक्त आ गया कंपटीशन का, कंपटीशन भी बहुत हार्ड, तो अपनी जेनरेशन को हमें उस कंपटीशन के लिए तैयार करना है। एक ड्यूटी जो लास्ट में जोड़ी गई है अब जी। बहुत अच्छी है, मैं उसे बहुत और उसे करने भी चाहिए। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो कि हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को या हमें बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो इसमें 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों का हमें एजुकेशन का ध्यान रखना है। वो हमारे साथ हमारे देश का नाम भी, देश का नाम भी रोशन करेगा। दूसरा ये कि आने वाली जेनरेशन को भी वो प्रोटेक्ट करेगा और आने वाली जेनरेशन और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर।
तो इन ड्यूटीज की अहमियत जो है वो फंडामेंटल राइट से कम नहीं है, क्योंकि हर राइट के साथ, भले वो लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, उसके साथ कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हैं, जैसे आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। दूसरा राइट है लाइफ एंड लिबर्टी, आपका है जरूर, लेकिन इसके साथ रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन है, आपको वो भी देखनी है, वो लिमिटेशन ही ड्यूटी है जो कि एक्सप्रेसली नहीं थी, अब वो एक्सप्रेस कर दी गई ड्यूटी। बिल्कुल सर, काफी अच्छी अच्छी ड्यूटीज आपने बताई। आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, मान लीजिए आप इगलास की मार्केट में जा रहे हैं सुबह सुबह टहलते हुए, हाथ हिलाते वो खूब, एक आदमी सामने से आ रहा, वो हाथ उसके नाक पे लग जाता, अब वो कहता आपने मेरी नाक क्यों तोड़ी, बोले मेरा राइट है, तो उसने कहा जहाँ से आपका राइट शुरू हो जाता है वहाँ मेरी नाक शुरू हो जाती है। ओके। और आपका मेरी नाक पे आकर का राइट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, हमेशा याद रखें हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया के, राइट कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके साथ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ही ड्यूटीज है जिनको फंडामेंटल राइट नाम दिया है, इसलिए फंडामेंटल उसमें जोड़ा गया है, उधर फंडामेंटल राइट है, इधर फंडामेंटल ड्यूटीज है। बिल्कुल, जो राइट्स जो अधिकार आपको दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आप उसका मिसयूज ना करें, ये आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत से लोग ना बहुत शैतान होते हैं हमारे देश में, बहुत से बच्चे हो गए, बहुत से पीपल्स हो गए जो शैतानी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके साथ क्या किया जाता है और उसको क्या किसी तरह की सजा भी मिलती है? पहली बात तो ये उसकी मॉरल ड्यूटी, जब मॉरल आ जाता तो वो सेल्फ बाइंडिंग हो जाता। बिल्कुल, अगर वो उसके अंदर इतना मॉरल नहीं है तो ये गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया गया है कि अगर ऐसे शैतान ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज्यादा ही ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट का कानून बनाया जा सकता है। ओके, आगे कानून बनाए जा सकते हैं, आगे बनाए जा सकते हैं, पनिशमेंट उनको दिया जा सकता है अगर देखेंगे कि इन ड्यूटीज का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आपको अपने कर्तव्य को भी पूरा करना। ये कई केसेस, क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं केसेस का नाम बताता हूं आपको, कभी बताऊंगा। बिल्कुल, तो उसमें हमारे जुडिशरी ने क्लियरली कह दिया है इसकी। ओके सर, आपने बहुत से कर्तव्य हमें बताए जो कि कहीं ना कहीं हम अपनी रोज की जिंदगी में करना भूल जाते हैं, वहीं अगर इन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं एक संदेश की बात करूं तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहोगे एक संदेश के माध्यम से? देखिए, मेरा पहला संदेश तो ये है कि सिर्फ आप अपने राइट के बारे में न सोचें और सिर्फ राइट के बारे में न बोलें, ड्यूटीज के बारे में भी सोच लीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी राइट आपका लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में आपको फर्क बता दूं, फंडामेंटल राइट वो है जो कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ दिए गए हैं, गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लीगल राइट वो है जो कि सबको दिए गए हैं, जैसे आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं तो उसका लीगल राइट को आप वायलेट करें, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। तो लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, इसे आप कभी भी एब्सोल्यूट ना समझें, इसके साथ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन का पालन करें। दूसरा, ये जितनी भी ड्यूटीज हैं ये हमारी टूवर्ड्स द कंट्री हैं, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हैं, कंट्री की वेल विशेस के लिए। आपने कई जगह देखा होगा कि कई प्लेसेस पर बहुत ऊंचा हमारा तिरंगा झंडा लगाया जाता है, वो हमारी देशभक्ति को शो करता है, वो हमारी यूनिटी को शो करता है, वो हमारी इंटीग्रिटी को शो करता है, और ये शो करता है कि पहली ड्यूटी को हम पालन कर रहे हैं कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। दूसरा मैं संदेश ये देना चाहूंगा, कहीं भी नेशनल एंथम हो रहा हो और आपके कानों में उसकी आवाज आ रही हो जी, तो प्लीज आप खड़े हो जाएं। अगर आप उसे नहीं दोहरा सकते हैं, नहीं गुनगुना सकते हैं, तो ये आपकी मजबूरी, क्योंकि आपको साफ, लेकिन अगर आपको नेशनल एंथम याद है तो आप जरूर खड़े होकर के उसको उसके साथ साथ गुनगुनाते रहें। और तीसरी बात यह है कि किसी भी देश के दुश्मन को आप अंडरमाइंड या उसे कम ना नापें, और अगर कोई देश का दुश्मन आपके सामने है या आपसे छुपा हुआ है और आपको पता है तो प्लीज उसे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा आपकी भी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा और आपका ही देश है, किसी और का थोड़ी है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके और बहुत ही अच्छा संदेश भी रहा। दोस्तों, यूं तो हमारे बहुत से अधिकार हैं जिनके बारे में हम जानना समझना चाहेंगे, लेकिन उसी के साथ ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कर्तव्यों के बारे में ना सिर्फ जानें बल्कि उनको अपने जीवन में भी उतारें। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर जहीरुद्दीन जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश को हानि पहुंचा रहा है तो आप उसकी जानकारी गवर्नमेंट को जरूर दीजिए, क्योंकि वो सब आप निभाएंगे तो आप अपने देश के लिए, अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। इतने प्यारे से संदेश के लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ना सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपने हमें बहुत सी खास जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया याशिका जी का भी और आप लोगों का भी, और मैं बस इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा,
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि हम अच्छे हैं। तो पहले हम अच्छे बने, फिर हमारा देश खुद ही अच्छा बन गया। बहुत ही सुंदर सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ दोस्तों अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।